योगा टेक के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो ऑल, वेलकम टू योगा टेक विद मी गरिमा भंडारी। अक्सर हम नोटिस करते हैं कि हमारे बच्चे जब स्कूल से रिटर्न करते हैं तो बोलते हैं मम्मा नो एनर्जी लेफ्ट। सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि हमारे बच्चों को क्रोनिक फटीग सिंड्रोम है, जिससे कि वो हर समय बहुत ही ज़्यादा टायर्ड महसूस करते हैं और एनर्जी जो है उनकी ड्रेन आउट हो जाती है। तो ऐसे में योगा की जो सेक्रेट प्रैक्टिस है उसको अगर हम अपने बच्चों से करवाएं, अपने सुपरविजन में करवाएं और साथ में प्राणायामा की प्रैक्टिस को मिक्स करें, तो उनकी माइंड और बॉडी के लिए बहुत सारे फिजिकल एंड मेंटल बेनिफिट्स हैं जो कि बच्चे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो आज हम करेंगे एक ऐसा ईजी पॉस्चर जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ईजी है करना, एंड एट द सेम टाइम जो उनका स्ट्रेस लेवल है या एंग्जाइटी है उसको ये काफ़ी हद तक कम करता है, क्योंकि आपके ब्रेन में एक तरह की कामनेस ये लेकर आता है, उसको रिलैक्स करता है और जो हैप्पी हॉर्मोन्स हैं उनको रिलीज़ करता है। एंड फिज़िकल प्लेन में अगर हम इसके बेनिफिट्स देखें तो आपके स्टमक में जो डाइजेशन सिस्टम है उसको ये एकदम स्टार्ट करता है, एंड पूरे बैक की मसल्स स्पाइन को स्ट्रेंथन करता है और लेंथन करता है, और ओवरऑल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी के लिए ये एक्सेलेंट पोस्चर है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे बाल आसना यानी कि चाइल्ड्स पोज। बाल आसना में आने के लिए आप इस तरह से अपने बच्चे को बोलें कि वो वज्रासना में बैठे, वज्रासना यानी कि डायमंड पोज। और वज्रासना में आप अपने हिप बोन्स को अपने एंकल्स पे इस तरह से प्लेस करते हैं एंड अपने पूरे बैक को एकदम स्ट्रेट रखते हैं और बॉडी को नेचुरल जो बॉडी का एक अलाइनमेंट है उसको फॉलो करते हुए आप अपने पूरे सेंट्रल एक्सिस से अपने बॉडी को सामने की तरफ ड्रॉप करेंगे एंड अपनी बेली को अंदर की तरफ टक्ड इन रखेंगे एंड इनहेल के साथ एक्सहेल करते हुए अपने पूरे बॉडी को अपने सामने इस तरह से ड्रॉप करें एंड अपने फोरहेड को अपने नीज के सामने फ्लोर पे इस तरह से प्लेस करें एंड अपने हैंड्स को इस तरह से अपने बैक के पीछे फिंगर्स को या हैंड्स को क्लास्प करें। स्पाइन की जो राउंडिंग है उसको महसूस करें। आँखों को आप चाहें तो बंद भी रख सकते हैं एंड यहाँ पर आप 5-10 मिनट्स एवरी डे इसे बच्चों को करवा सकते हैं, सोने से पहले या सुबह उठने के बाद। ये बहुत ही एक्सीलेंट है उनके ब्रेन को एक किक स्टार्ट देने के लिए, माइंड को एक किक स्टार्ट देने के लिए, जिससे कि पूरी की पूरी बॉडी एक्टिव मोड में आ जाती है और स्ट्रेस और फटीग उनका जो है वो दूर होता है। एक्टिव ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सहेल। किसी भी आसना की प्रैक्टिस में अगर हम ब्रीदिंग की टेक्निक को राइटली और माइंडफुली प्रैक्टिस करते हैं तभी हम उस आसना के मैक्सिमम बेनिफिट्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो ब्रीदिंग बहुत ही आपको अच्छे से रिदमिक ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है, लंबी सांस लेना और लंबी सांस छोड़ना। हाथों से एक पुश दें, रेजिस्टेंस दें अपने फीट की तरफ, जिससे कि आपकी बैक और राउंड होती है और शोल्डर्स एक दूसरे की तरफ इस तरह से ड्रॉ होते हैं। एंड स्पाइन और बैक पेन के लिए भी एक एक्सेलेंट पोस्चर है। अगर किसी को भी लुम्बर या लोअर बैक एरिया में पेन रहता है तो वो इस आसना को एवरी डे 5-10 मिनट्स प्रैक्टिस करें एंड सी कि इससे आपका जो पेन है वो कितना मेल्ट अवे हो जाता है। स्लोली अपने हैंड्स को रिलीज़ करें एंड पोस्चर से एग्जिट करने के लिए धीरे धीरे अपनी आँखों को ओपन करें। हाथों के सपोर्ट से अपनी बॉडी को इस तरह से रेज करें एंड विद अ ब्यूटिफुल स्माइल अपने सेंटर पर इस तरह से रिटर्न करें। तो ये था बाल आसना यानी कि चाइल्ड्स पोज, और ये मेरा भी पर्सनल फेवरेट है एंड मेरे बच्चों को भी मैं एवरीडे इनक्रेज करती हूँ कि वो इसको प्रैक्टिस करें एंड आप भी अपने बच्चों से इसकी प्रैक्टिस रोज़ कराएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो योगा तक को आज ही फेसबुक पर फॉलो करें एंड यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आज नहीं, अभी। नमस्ते।